सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हेलो सर, मैं राजीव बोल रहा हूँ। नंदिता के चाचा का कत्ल हो चुका है सर, और उनके साथ हमें एक अनआइडेंटिफाइड आदमी की लाश भी मिली है। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। ये सब कब पता चला तुम्हें? एनोनिमस टिप सर, एनोनिमस कॉलर, ना कोई नाम ना कोई पता, कुछ नहीं सर। कंट्रोल को फोन आया और उन्होंने फोन हमको फॉरवर्ड कर दिया। सर बहुत ही निर्दयता से मारा गया है और बहुत ही इत्मीनान से। ऐसा लगता है कि किलर के पास दुनिया भर का वक्त था। एक बहुत ही भारी और ब्लंट ऑब्जेक्ट से सर पे चोट दी गई है। घर पर कोई नौकर चाकर? राजीव, बस एक बाई आती है साफ सफाई और खाना बनाने के लिए। तो दूसरे आदमी की लाश इस कमरे में मिली। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई सर, डायरेक्ट इनटू द हार्ट। लेकिन बाई इस आदमी की शिनाख्त नहीं कर पाई। ये आदमी सर इस बंगले में कभी आया ही नहीं था। तो सर आस पड़ोस में मैंने इंक्वायरी की, किसी ने कोई गोली की आवाज तो सुनी नहीं सर। पर रॉबरी तो मोटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि रुपए पैसे तो मुझे कबर्ड में पड़े मिले और कोई वैल्यूएबल मिसिंग नहीं है सर। आर यू श्योर राजीव? यस सर। मुझे एक ही बात खटक रही है राजीव, अगर एक ही आदमी ने दोनों खून किए हो तो उसने दोनों को मारने के लिए अलग अलग हथियार क्यों इस्तेमाल किया? सर ऐसा भी तो सकता है कि उन दोनों आदमियों को दो अलग अलग आदमी मारा हो सकता है, मगर जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ नहीं कहा जा सकता। यस सर। तुम एक काम करो राजीव, सारे एविडेंस सील करके थाने ले आओ। ऑलराइट सर। ओके। मानता हूँ तुम्हारी उससे शादी होने वाली है, तुम्हारी फियांसी है तो मेरी दोस्त भी है ना, और तुमसे पहले से जानता हूँ मैं उसे। तुम वकीलों को बकबक करने की बहुत आदत होती है, बस मौका हाथ लगना चाहिए। जरा नंदिता को फोन देना। भाई वो जरा नीचे गई है 10 मिनट के लिए, आती है तो फोन करवाता हूँ। अच्छा सुनो रमन, नंदिता के अंकल राजनाथ का खून हो गया है। क्या? कब? कैसे? तुम एक काम करो, पुलिस स्टेशन आ जाना, मैं भी वहीं जा रहा हूं, वहीं बात करेंगे। मैं पहुंचता हूं अविनाश। तुम वारदात की जगह ठीक 10:30 बजे पहुंचे, मगर राजनाथ की कलाई पे यह घड़ी 12:30 बजे कैसे बंद हो गई? तुम्हें फोन पर टिप कितने बजे मिली? 10 बजे। हो सकता है कि पुलिस को मिसलीड करने के लिए कातिल ने घड़ी में जानबूझ के वक्त बदल दिया हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि खातिर ने खुद तुम्हें एनोनिमस टिप दी हो सकता है वो दूसरा आदमी जिसकी अब तक हम शिनाख्त नहीं कर पाए, वो राजनाथ के बंगले में दाखिल हुआ, राजनाथ को उसने मार डाला, लेकिन वहां एक तीसरा आदमी भी था जिसने राजनाथ के खातिल को मार डाला। लेकिन क्यों? क्योंकि वो दूसरा आदमी एक हायर्ड किलर था राजीव, और जिसने भी उसे हायर किया वो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन वो अगर वहां था
तो उसने खुद क्यों नहीं मारा राजनाथ को? उसे एक किलर हायर करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ नहीं कहा जा सकता। हाय राजीव। हाय अविनाश। सैड न्यूज यार रमन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं नंदिता को कैसे बताऊं कि तू तो जानता है ना वो अपने अंकल से कितना प्यार करती थी। तू फिक्र मत कर, उसे मैं बता दूंगा। थैंक्स यार। तू ये बता, कुछ पता चला? फिलहाल तो रॉबरी रूल आउट किया है। यार रमन, इस मर्डर में कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा यार। अविनाश, मेरे वकालत के सारे करियर में मैंने ऐसा एक भी केस नहीं देखा जिसमें कोई मोटिव ना हो। नॉर्मली ऐसे केसेस में जहां पर इमीडिएटली मोटिव नजर नहीं आता, इनके पीछे एक गहरा षड्यंत्र होता है। बगैर मोटिव के मर्डर हो ही नहीं सकता। अविनाश, तू कुछ मिस तो नहीं कर रहा है? ये राजनाथ का बंगला है। ऐसा राजीव। सलाम साहब। इस बंगले में जो खून हुए हैं के बारे में कुछ जानते हो तुम? नहीं सर जी, हम कुछ नहीं जानते। कुछ देखा तुमने? कुछ नहीं देखा सर जी हमने, हमें कहां फुर्सत होती है ये सब देखने की। वो बड़े लोग हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं, कहां जाते हैं, हमें क्या पता रहता है सर जी। वैसे कितने बजे की बात कर रहे हैं आप? तकरीबन 10-10:30 बजे की। नहीं सर जी, उस वक्त तो हम यहाँ होते भी नहीं, हम तो 8 बजे दुकान बंद कर देते हैं। अबे तो यही बताएगा कि फिर थाने जाके बताएगा? चल जल्दी बता। नहीं नहीं साहब जी, हमें कुछ नहीं पता है। वो हमारा एक कस्टमर है, उसने हमें सब्जी बताया था आके कि वहाँ से एक लड़की को उसने जो है जाते हुए देखा। लड़की बहुत घबराई हुई थी सर जी, वो टैक्सी में बैठ के तुरंत चली गई। और कुछ वो और भी बता रहा था सर जी आज सुबह, लेकिन हमें ध्यान नहीं सर जी क्या होता। वो कस्टमर को जानते हो तुम? हाँ बिल्कुल जानते हैं सर जी, हमारा रोज का कस्टमर है। अगर आ जाएगा ना वो तो उसे थाने लेके आ जाना, वरना तेरी दुकान उगा है ना सब बंद करा दूंगा, समझे ना? नहीं साहब जी, जैसे आएगा हम आपके पास तुरंत आ जाएंगे लेके उसको। सर। यस राजीव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। उन दोनों की मौत रात को 10 बजे के आसपास हुई है। इस रिपोर्ट से तो कुछ खास मदद नहीं मिलने वाली हमें राजीव। हम काफी कुछ पहले ही गेस कर चुके हैं। फोरेंसिक ने कुछ कहा? कुछ खास नहीं सर। बंगले में अलावा राजनाथ के और दूसरे आदमी के कोई और फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। राजनाथ के बारे में तहकीकात की? सर एज यू नो, एक्सपोर्ट का बिजनेस है मिडल ईस्ट में, कस्टम की और इनकम टैक्स थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है सर, लेकिन कुछ खास नहीं है। बहुत ही सर प्राइवेट किस्म के आदमी थे, बैचलर थे वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन सर नो वुमेन एंड नो सोशल सर्कल। तो फिर वो लड़की कौन थी जिसे उस रात उस आदमी ने राजनाथ के बंगले से बाहर निकलते हुए देखा था? सर जी नमस्ते। सर जी यही वो आदमी है जिसने हमें बताया था। तुमने कल रात राजनाथ के बंगले से किसी लड़की को निकलते हुए देखा था? हाँ जी सर। क्या देखा था? साहब मैं रोज की तरह सिगरेट लेने जा रहा था दुकान पर, हो गई क्या साहब? किसी अच्छे खानदान की लड़की लग रही थी साहब, ऊंचा कद, गोरी, लंबे बाल साहब, बहुत जल्दी में थी साहब, घबराई हुई थी। तो तुमने उसे कितने बजे देखा था? साहब काफी देर हो चुकी थी, 10-10:30 तो बजी रहे होंगे साहब। अगर तुम उस लड़की को दोबारा देखोगे पहचान लोगे? हाँ जी साहब। क्या नाम बताया था? सब अभिराम मैकेनिक। साहब हमारा नाम भूला। ठीक है, तुम लोग अपना नाम पता वहां लिखवा दो, फिर तुम लोग जा सकते हो। चलो सर। बैक टू स्क्वायर वन राजीव, अब एक ही रास्ता बचा है। वो दूसरे आदमी की लाश की शिनाख्त जरूर करनी पड़ेगी।
टीवी और हर अखबार में उसकी तस्वीर छपा दो। इंस्पेक्टर अविनाश, आज के न्यूज़पेपर पर जो फ्रंट लाइन में जिस आदमी का न्यूज छपा है उस आदमी को हम बहुत अच्छी तरह से जानता है। कौन? राजनाथ? हाँ वही। क्या जानते हो तुम उसके बारे में? हम उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। तुम आकर हमें मिलो, हम बताएगा तुम्हें उसके दुश्मन के बारे में। तुम आज रात 10:30 बजे साकी नाका के मोहन मिल्स के नुक्कड़ पर आकर हमें मिलो, हम तुम्हारा उधर इंतजार करेगा। मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? पहचान लोगे इंस्पेक्टर। हेलो इंस्पेक्टर अविनाश, आई एम बॉब। क्या जानते हो तुम राजनाथ के बारे में? मैं उसके साथ गोवा में रहता था, 20 साल तक मैंने उसके साथ काम किया। उसी दौरान उसका किसी शादीशुदा औरत से लफड़ा चल रहा था। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद साहब हम गोवा से इधर आ गया, लेकिन हमें इस बात का एहसास हो गया था कि एक दिन वो आदमी जरूर उस औरत के चक्कर में मरेगा, और वही हुआ साहब। तो तुम्हें लगता है कि? सर, अगर उस औरत के हस्बैंड को इस बात का पता चल गया होगा तो कुछ भी हो सकता है। कौन थी वो औरत? सर, वो एक बहुत खूबसूरत औरत है, लगभग 40 साल की होगी। उसका नाम है गायत्री। बहुत खूबसूरत है साहब, बहुत खूबसूरत है। उसके गाल पर एक बर्थ मार्क है जो उसका एक ब्यूटी स्पॉट है। तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर, कोई पता? साहब बहुत जमाना हो गया है, कुछ मेमोरीज मेरे पास है, बस वही उसका एक ब्यूटी स्पॉट मुझे आज तक याद है। हमारे पास अभी 2 सस्पेक्ट्स हैं। एक वो लड़की जिसे अभिराम मैकेनिक ने राजनाथ के घर से बाहर निकलते हुए देखा था, और दूसरी वो मिडिल एज लेडी जिसके बारे में बॉब बता रहा था। हो सकता है कि राजनाथ साहब एक वुमनाइजर हो। मेरे अंकल ऐसे नहीं थे, तुम उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। नो ऑफेंस मेंट नंदिता, मैं सिर्फ केस को एज ए प्रोफेशनल एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे अंकल के नाम को बदनाम करो। लिसन, इतनी हाइपर होने की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ उनके कैरेक्टर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आई मीन द सीक्रेट ऑफ द किलर लाइज इन द कैरेक्टर ऑफ द मैन। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे अंकल कैरेक्टरलेस थे? देखो नंदिता, मैं सिर्फ केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। छोड़ना अविनाश, जब नंदिता को तेरी बातें अच्छी नहीं लग रही तो फॉरगेट इट ना। लेकिन मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना। कुछ नहीं बोल रहा हूँ? इतना सब बोलने के बाद भी बोल रहा हूँ कुछ नहीं बोल रहा हूँ? नंदिता, I'm just saying what the facts suggest. Relax guys, relax. तुम लोग तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे पति पत्नी हो, और तुम लोगों की शादी भी नहीं हुई। इससे कौन शादी करने वाला है? रूठ गई ना, तू जा उसे मना, मैं शाम को फोन करता हूँ। मेरी तरफ देखो नंदिता, देखो नंदिता, मैं जानता हूं कि तुम अपने अंकल से कितना प्यार करती थी। तुम्हारी जगह मैं होता तो मुझे भी बुरा लगता, मुझे भी तुम्हें दुख पहुंचाना अच्छा नहीं लगता। नंदिता, लुक एट मी,
मेरी तरफ देखो। नंदिता, तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन क्या करूं, फर्ज है ना। नंदिता लिसन टू मी, देखो आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज। ग्रेट, आर यू ओके ना? तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं। हाँ बोलो राजीव। सर वो टैक्सी ड्राइवर मिल गया है जिसने वो कत्ल वाली रात उस लड़की को लिफ्ट दी थी, वो पुलिस स्टेशन में है सर। आई एम कमिंग राइट अवे, मुझे जाना पड़ेगा। ओके, आई सी यू। हमको मत मारो साहब, हमको सचमुच कुछ याद नहीं है साहब, हमको भूल जाने की बीमारी है। आज के बाद तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, याद करो। इतने दिन हो गए, कितने लोग बैठते हैं हमारी टैक्सी में, अब उस लड़की के बारे में क्या बताएं साहब। याद करो, याददाश्त ठीक करूं मैं तुम्हारी? याद करो, कहां छोड़ा था उस लड़की को तुमने? शायद अंधेरी में कहीं साहब। वो जगह याद है या नहीं? अभी मैं वो जगह आपको दिखा सकता हूँ साहब। हम उसको इधर ही उतर रहे थे, लेकिन टैक्सी तो उतर के उसकी बिल्डिंग गई थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन शाम तक किसी भी हाल में वो रिपोर्ट मुझे 8:10 पे चाहिए, समझ गए? ओके। सो लुक एट दिस फोटोग्राफ। राजनाथ की पूरी एल्बम में सिर्फ ये एक औरत की फोटोग्राफ मिली है। ये औरत कौन हो सकती है? हो ना हो, ये गायत्री देवी ही है राजीव। तुम्हें याद है बॉब ने जो बताया था कि उसके गाल पे एक बर्थमार्क है? बिल्कुल वैसे ही बर्थमार्क इस औरत के गाल पे भी है। देखो राजीव, बॉब का पता लगाओ। पे हमला करके तो किलर ने हमें यह जरूर बता दिया है कि हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस राजीव। एनीवे, उस अनआइडेंटिफाइड बॉडी के बारे में कुछ पता चला? ही वाज अ हायर्ड किलर सर, वो पैसों के लिए तो किसी की भी जान ले सकता था। उसका नाम? तो उसका नाम था वाही। वाही, मेरे दोस्त की हत्या की गई है, शायद पुलिस को इससे मदद मिले।